हेलो और स्वागत है। ज्यादातर लोगों को लगता है पिज्जा का उत्पादन इटली में हुआ है, लेकिन सच ये है कि पौराणिक ग्रीस में लोग अपने फ्लैट ब्रेड पे ऑयल, चीज और हर्ब्स डाल के खाते थे, इसलिए ग्रीस को कह सकते हैं पिज्जा का उत्पादन स्थल। लेकिन ये बहुत ही प्रचलित हो गया नेपल्स इटली में गई 18वीं सदी में। आज की स्पाइस बॉक्स में हम देखेंगे कैसे बनाते हैं बहुत ही प्रचलित अनियन मशरूम पिज्जा। आइए शुरू करते हैं। सामग्री जो हमें चाहिए अनियन मशरूम पिज्जा के लिए वो है, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 पिज्जा ब्रेड, 1 कप मशरूम, आधा कप मोजरेला चीज जो कसा हुआ है, आधा कप टमाटर, आधा कप पीले और लाल कैप्सिकम, 1 चम्मच राई का पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च, अजमोद, आधा कप टमेटो केचप, मिक्स्ड हर्ब 1 चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स या ओरिगेनो, चुटकी भर नमक। आइए शुरू करते हैं बनाना पिज्जा। हम रखेंगे पिज्जा बेस को पिज्जा टिन पे, फैलाएंगे टमेटो केचप इसके ऊपर, ध्यान रहे हम स्प्रेड करें इसे समांतर मात्रा में सारे पिज्जा बेस के ऊपर। अगर आपको टमाटर की फ्लेवर पसंद है तो ज्यादा रखिए। अब रखेंगे मशरूम्स इसके ऊपर, प्याज, मैंने इनको बारीक काटा हुआ है, अगर आपको बड़े टुकड़े चाहिए तो वैसे काटिए। आप काट सकते हैं अनियन रिंग्स भी और रख सकते हैं ऊपर। मैं रखूंगी इसके ऊपर कैप्सिकम पीले, ये इसकी वजह से पिज्जा लगता है बहुत ही रंग बिरंगी। थोड़े से अजमोद ऊपर से, काली मिर्च पाउडर, छिड़केंगे ओरिगैनो, थोड़ा सा नमक, राई का पाउडर, और अंत में कसा हुआ मोजरेला चीज। मैं हाथ से रखूंगी इसको। बेक करेंगे इसे पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्रीज पे 10 मिनट के लिए। ये अनियन मशरूम पिज्जा अब तैयार है। हम भारतीयों को हमारे पिज्जा के साथ टमेटो केचप पसंद है। मैं ऊपर से छिड़कूंगी चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो, इसमें ब्रेड स्टिक्स रखूंगी साइड में और कोल्ड ड्रिंक साथ में पीने के लिए। लेकिन इसे सिर्फ गरम सर्व करें, इसको जरूर बनाएं।